देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। सूत्रों की माने तो इस पर केंद्र सरकार आज फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56,647 नए केस मिले, 669 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 51,356 संक्रमित ठीक हो गए। देश के 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही है। असम और केरल में तमाम संभावनाओं के बावजूद पार्टी की शिकस्त ने राहुल प्रियंका के नेतृत्व व रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद ममता बनर्जी शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगी। वहां पहुंचकर ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत हासिल की है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 604 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,177 के स्तर पर खुला।